हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको मैथ्स, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ से संबंधित चीज़ों की जानकारी देता हूं। आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप चैनल पे आइए, चैनल पे आके आप प्लेलिस्ट पे आइए चैनल स्टडी स्टार्स में, वहां आप मैथ्स, रीजनिंग या छत्तीसगढ़ से संबंधित चीज़ों को पढ़ सकते हैं। CGPSC द्वारा पूछे गए प्रश्न भी यहाँ डले हुए हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं CGPSC एग्जाम 2018-19 का सी सेट का आंसर की देखते हैं। एग्जाम डेट था 17 फरवरी 2019 और यहाँ मैथ्स और रीजनिंग का हम आंसर की देखेंगे। ध्यान रखिए, आंसर की देखेंगे जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उसके, इसके सोल्यूशन मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं सी सेट का, सेट सी मतलब क्वेश्चन पेपर सेट सी है ये, उसके हिसाब से हम लोग आंसर देखेंगे। तो चलिए इसका हम सिर्फ आंसर देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, दो विद्यालय में ए और बी के परीक्षाफल निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही तालिका से दीजिए। तो ये जो दिया गया था इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन था तो उसका आंसर क्या था, विद्यालय ए के कक्षा में 12वीं तथा 10वीं के पास होने वाले विद्यार्थी का औसत क्या था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 132.5। फिर नीचे देख लेते हैं, दो विद्यालयों के कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 83.9। ध्यान रखिए, मैं आपको सिर्फ इसका आंसर की बता रहा हूँ, बाद में मैं अपने चैनल पे आपके लिए इस सारे आंसर के सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन थ्री था, दोनों विद्यालयों की कक्षा 10वीं के पास विद्यार्थी की संख्या क्या थी। तो ऑप्शन डी आ जाएगा 240। क्वेश्चन नंबर 4 से 5 देखते हैं, इसमें कोड दिया था जिसमें दे का कोड पूछा था, तो दे का कोड हो जाएगा ऑप्शन सी टीम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उपयुक्त प्रश्न के उत्तर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन को हटाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे कोई कथन दिया नहीं है गया है और यहाँ उपयुक्त प्रश्न बोला है, तो अगर ये ऊपर के प्रश्न की बात बोल रहा है तो भी उसका आंसर नहीं आता है, तो इस तरह ये क्वेश्चन क्या होगा, विलोपित हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये डिकोडिंग और डिकोडिंग संबंधित क्वेश्चन था, जैसे ए का अर्थ प्लस है तो 68 के बाद ए की जगह प्लस रखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 12। इसी तरह सबका रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर यह क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि तीसरा से संबंधित क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 फीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि 5 जनवरी 2012 सोमवार था तो 31 मार्च 2013 कौन सा दिन होगा बोला था, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुवार आएगा, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 से 11 जो था एक घनाभ से संबंधित था जिसे अलग अलग रंगों से कलर किया गया था, उससे संबंधित क्वेश्चन था, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे 9वें प्रश्न में बोला था कितने घनों में कोई रंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 में। क्वेश्चन 10वां, कितने घनों में केवल एक रंग होगा, तो ऑप्शन सी 22 में। क्वेश्चन नंबर 11, कितने घनों में सभी 3 रंग होंगे, तो ऑप्शन डी 8 घनों में। 4 विकल्प दिए गए हैं, एक को छोड़कर 3 में समानता है, भिन्न विकल्प का पता लगाइए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 0। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही संख्या क्या है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन डी 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक एक आरेख दिया है, उसको अध्ययन करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो कुछ क्वेश्चन दिए हैं नीचे, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे व्यक्ति की संख्या जो चाय, कॉफी और शराब सभी पीते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन ए 15। तो क्वेश्चन 15, जो केवल कॉफी पीते हैं, तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर 45। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे व्यक्ति जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी 30 जनवरी, क्योंकि 30 जनवरी महात्मा गांधी का मृत्यु दिवस है और बाकी जो डेट दिया है वो किसी ना किसी महापुरुष का जन्म दिवस है, जैसे 12 जनवरी विवेकानंद जी का है, इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 18 में निर्देश दिए हैं, फिर कथन दिया था और उस कथन के हिसाब से दो तर्क दिए थे, उसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, केवल तर्क दो मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, संख्या दिया था जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, हमेशा भाज्य होगा बोला था, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर 6 और 12 से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 22 का, अंग्रेजी कितने अंक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा 5। कुछ देशों की मुद्राओं को कितने प्रतीक प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वहां पे यूरो और डॉलर प्रदर्शित कर रहे थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी @BL से। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी DFLP। क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल ACD।
क्वेश्चन नंबर 28, या इसको सॉल्व करेंगे तो एन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 8। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आ जाएगा ऑप्शन ए 32। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2/n। क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी EVN। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जानकारी अधूरी है। क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 से 39 बार चार्ट पर आधारित क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स। क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 75। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा स, और क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी फ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 से 44 पाई चार्ट पर आधारित क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 14%। क्वेश्चन नंबर 41 का आ जाएगा ऑप्शन ए 9/5। क्वेश्चन नंबर 42 का देख लेते हैं, इसका आ जाएगा ऑप्शन सी 60 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी दोगुना से अधिक। क्वेश्चन नंबर 44, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 71.43 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75। क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 8 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 50, नल और टंकी संबंधित क्वेश्चन थे, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1 घंटा 12 मिनट। क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 कथन सही है, मतलब दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 टेलीविजन कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 53 से 56, ये क्वेश्चन गलत था। क्यों गलत था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, अनिल हॉकी खेलता है बोला है, फिर यहाँ पे बोला है अनिल स्क्वैश खेलता है, तो इस तरह दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा और एक क्वेश्चन विलोपित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर क्वेश्चन नंबर 56 तक विलोपित होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 53 था, ये जो था कौन सा खेल अजय खेलता है, 54 अविनाश क्या पढ़ता है, और 55 फुटबॉल कौन खेलता है। तो आंसर नहीं आ पाएगा क्योंकि जो वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 56 था, अनिल क्या पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 57, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी π/2। क्वेश्चन नंबर 58, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/9। क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9/16। क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोई संख्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर 27। क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन बी हो जाएगा 3600 रुपए आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200 मीटर। तो देखिए, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक हमने देख लिए। अब यहाँ से जो 35 क्वेश्चन थे जो हिंदी और छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन थे, तो इस वीडियो में हम लोगों ने 65 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के देख लिए। अगर आपको ये PDF के रूप में चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर ले, और अगर किसी ने एग्जाम दिया CGPSC का तो उनको शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी हम इस चैनल में अपलोड करेंगे।